व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं डॉज कॉइन के बारे में। तो जब मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूं, उस समय डॉज की जो प्राइस है वो लगभग 1% के आसपास डाउन चल रही है। 30.65 रुपये की इसकी प्राइस चल रही है। BTC और इथेरियम दोनों के पेयर में ही ये डाउन चल रहा है। अब हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब का डेटा कुछ अलग हो, ठीक है। तो कल जैसा आप सभी को पता है, कोइनबेस प्रो पर इसकी जो लिस्टिंग की खबर आई थी और एलोन मस्क का जो ट्वीट था, उसके बाद में इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी थी। लगभग 32 रुपये से भी ज़्यादा इसकी प्राइस चली गई थी। 32.42 रुपये की इसकी प्राइस चली गई थी। हाईएस्ट प्राइस की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप डेटा, वजीरिक्स पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बोल दूँ, ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, ना ही मैं इसमें कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बट जो फैक्ट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको जितना गुड न्यूज़ देता हूँ उतना ही जो सच है वो भी बताता हूँ। अब आप सभी को पता है कि आज लगभग 9 बजे के आसपास ये कोइनबेस प्रो पर लिस्ट हो जाएगा। अब कोइनबेस प्रो पर लिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद में आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे। जो लोग कोइनबेस प्रो को जानते हैं उन सभी को पता है, जैसे ही कोई कोइन वहां पर लिस्ट होता है बहुत समय लग जाता है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने में। लेकिन ऐसा हो सकता है डॉज कॉइन के केस में कुछ अलग हो और डॉज कॉइन को आप कुछ घंटे के बाद में ही वहां पर ट्रेड करने लग जाए। अभी जैसे थीटा वहां पर लिस्ट हुआ था, तो थीटा भी इसका एक एग्जांपल है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई कॉइनबेस प्रो पर लिस्ट होता है तो तुरंत ही उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती है, काफी ज्यादा दिन लग जाते हैं और कई कई बार तो हफ्ते भी लग जाते हैं। तो कल मैं आपको ये बता रहा था कि भाई आपको इस समय शॉर्ट टर्म वालों को बता रहा था कि इस समय आपको डॉज कॉइन बाय नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों की तो बात अलग है, तो मैं आपको ये बता रहा था। बट कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे। यार मैं आपसे इतना पोलाइटली बात करता हूँ, ना ही मैंने आपको कभी तू के बोला है ना ही तुम के बोला है, इतनी पोलाइटली इज्जत से बात करता हूँ। और आप इस तरीके के कमेंट करते हैं, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो मत देखा करो। अगर आपको लगता है कि भाई इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा या ये कुछ अलग बातें कर रहा है तो वीडियो को देखा ही मत करो, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप कमेंट, यार कमेंट तो थोड़ा सभ्यता से लिखा करो, मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहता हूँ। तो अभी टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो अभी कोइनबेस प्रो पर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है और हो सकता है बहुत समय भी लग जाए ट्रेडिंग स्टार्ट होने में। तो जो डॉज की प्राइस है वो थोड़े इस हफ्ते तक बढ़ नहीं सकती है। बढ़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी जैसा आपको कल देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए एंट्री लेना सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, जो कि है सेलिंग प्रेशर। आप सभी को पता है SNL से पहले इसकी जो प्राइस थी वो अपने ऑल टाइम हाई पे थी। लगभग 5 से 6 तारीख को इसकी जो प्राइस थी वो अपने ऑल टाइम हाई पे आ गई थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको 45 रुपये से ऊपर पर खरीदा था, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसको लगभग 51 रुपये से भी ज़्यादा खरीदा होगा। तो वो सभी लोग अब क्या सोच रहे हैं कि भाई इसकी प्राइस तो देखो मतलब डाउन ही हो रखी है। जब तक इसकी प्राइस हमें लगभग 57-58 के आसपास नहीं दिखती है तब तक हम होल्ड करके रखेंगे, और जैसे ही देखना इसकी प्राइस लगभग 60 रुपये के आसपास आएगी या फिर एटलीस्ट 50 रुपये से ज्यादा होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस समय दबा के सेलिंग करेंगे। और जब दबा के सेलिंग करेंगे तो मार्केट से पैसा निकलेगा, मार्केट से पैसा निकलेगा तो इसकी जो प्राइस बढ़ रही होगी उस प्राइस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा और इसकी जो प्राइस है वो धीमे से घटना शुरू हो जाएगी, बिकॉज लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि उस समय भी इस डॉज को बहुत सारे लोग बाय कर रहे होंगे, लेकिन जो सेलर्स की तादाद होगी अगर मैं कंपेयर करूं बायर्स से, तो बायर्स की तुलना में सेलर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। बिकॉज आप सभी को पता है उस समय लोगों को सिर्फ यही टेंशन हो रही होगी कि भाई इसकी प्राइस दोबारा से क्रैश ना हो जाए, $1 के पास इसकी प्राइस आ चुकी है, तो शायद यही सही समय होगा कि हम अपना पैसा निकाल ले। और जो छोटी छोटी वेल से वो भी इसी फिराक में होगी कि कब इसकी प्राइस लगभग 70 रुपए के आसपास आए और हम अपना मोटा अमाउंट निकाल ले, अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो ये जरूर होगा जब भी इसकी प्राइस लगभग 50 रुपए से ज्यादा होगी या फिर 55 रुपए से ज्यादा होगी, तब बहुत से लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा घटना शुरू हो जाएगी। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस समय कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे, तब तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़नी ही है, और जो वेल से वो भी अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दे तो हो सकता है तब इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़े। तो ये सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी इसकी प्राइस 50 रुपए से ज्यादा होगी तब एक सेलिंग प्रेशर बनेगा और $1 तक इसकी प्राइस आने में फिर स्ट्रगलिंग होगी, ठीक है। डॉज कॉइन को स्ट्रगल करना पड़ेगा $1 को हिट करने के
के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अपना बड़ा अमाउंट निकालने के बारे में सोच रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। और थोड़े बहुत ऐसे भी हम जैसे गरीब लोग हैं जो कि $1 का वेट कर रहे हैं, तो $1 करा के मानना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन दी। और एक चीज हो रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये बोलते हैं कि भाई तू क्यों इसका प्रमोशन कर रहा है, बिल्कुल बेकार कोई ने, मीम कोई ने, कोई भी इसका यूज केस नहीं है, फंडामेंटली भी ये बिल्कुल गई भी था कोई ने, तो क्यों बार बार इसके ऊपर तू वीडियो बनाता है। देखो, सिर्फ यूट्यूब के मोनिटाइजेशन के अलावा मैं आपसे किसी भी तरीके से नहीं कमा रहा हूं, ना ही आप मुझे कोई डायरेक्टली पैसा दे रहे हो, ना तो मेरा कोई ज्वाइन बटन है, ना ही मैं आपसे कोई पैसा मांगता हूं। मेरे को उल्टे ईमेल्स और आते हैं, मैं उन सभी की हेल्प करता हूं, मैं जानता हूं और वो खुद भी जानते हैं। और मैं यहां कोई जता रहा नहीं हूं कि भाई मैं इस तरीके से दुनिया की हेल्प कर रहा हूं। फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भाई डॉज कॉइन के ऊपर बहुत से लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सभी मैं आपको देता हूं, और कुछ नहीं है। और एक ये भी सच बात है कि इस पर मेरे अच्छे व्यूज आते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो जब आप देखना ही ये चाहते हैं तो इस पर मैं वीडियो क्यों नहीं बनाऊं। रही बात प्रॉब्लम्स की, इससे जुड़ी हुई मेनली 3-4 प्रॉब्लम्स ये। एक तो है वेल्स के डॉज वॉलेट्स। आप सभी को पता है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वेल्स के डॉज वॉलेट्स के ऊपर जरूर से बताया था कि अगर उन्होंने अपने सारे कॉइन्स सेल भी कर दिए तब भी क्या होगा, ये भी मैंने बताया था। इलॉन मस्क बैठे हुए हैं उसके लिए। दूसरी चीज है फंडामेंटली ये वीक कॉइन है, तो इसके ऊपर डेवलपर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अगर जो भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी उसको भी वो पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तीसरी बात है इसकी सप्लाई। अब देखो, आप सभी को ये पता है कि इलॉन मस्क डॉजकॉइन के डेवलपर्स के साथ कितने कॉन्टेक्ट में है, और वो ये भी ट्राई करेंगे कि डॉजकॉइन की जो सप्लाई है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, वो चाहे कॉइन्स को बर्न करके हो, डिस्ट्रॉय करके हो, या फिर किसी भी तरीके से वो डॉजकॉइन की जो सप्लाई है उसको लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं डॉजकॉइन की प्राइस 5-6% के बीच में गिर चुकी है, तो वो एक अलग बात है। तो जब इसका यूज केस बढ़ने लगेगा, फंडामेंटली ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड होगी, तब इसकी प्राइस कहां तक बढ़ेगी वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा डॉजकॉइन में इन्वेस्ट कर दे। हाँ, ये जरूर है कि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके हमें बताया हुआ है कि किस तरीके से डॉजकॉइन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी हो जाएगा, तो ये सब फ्यूचर में देखा जाएगा। फिलहाल $1 की बात कर लेते हैं कि जब भी इसके $1 के आसपास प्राइस आएगी तब बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनेगा, और फिर इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा घटना शुरू हो जाएगी, और फिर से बहुत सारे बायर्स इसमें आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इसकी प्राइस वापस से उठेगी और $1 को वो जरूर से हिट करेगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मैंने आप सभी को सिर्फ सेलिंग प्रेशर के बारे में बताया। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।